नमस्कार दर्शक बंधु, दर्शक बंधु आज आम शुणा अन्य को गाली कले कौन हुए। आज्ञा अन्य को गाली कले कौन हुए, अन्य को गाली कले सी अन्य जनक भी गाली करिवो ताकु। आज्ञा सत कथा आम भी गाली शुणीचे जो लोकटा आम गाली दीचे तार कौन हम। हाँ सही कथा अच्छा बुझीबार अछि। मन कर मु तुमको गाली करी जी गाली कला बिना दोष रे मन कर बहुत समय मुझे देखा जाए तुम्हें मन करो भल कथा कह क्या पसंद ना से दि चार पद गाली करदे कहे बिना दोष रे जी क्या गाली कर ताले कौन हम। आज सेमती एक कहानी टीए रही शुणी सारापर मन रखिब जे आमे क्या गाली ही करिवा नाही कौ क्षेत्र आज शुणा कि पूर्व बर्तमान आम टे भगवान नाम संकीर्तन करी निजक से भगवान चरण तले समर्पण करवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे जय राधे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे गाली करिबा काहाकु काही की भी आमे गाली करिबा। दर्शक बंधु ऊपर वाला जेतले आमको जन्म देछि आमे समस्ते जानि चंदी एमिति केही मनुष्य नाही जे जीवन रे कहबो मु भूल करिनी किंतु के अछि नाही 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 समस्त भूल समस्त कर कहार टिके अधिक भूल अछि कहार टिके कम भूल अछि आ कहार टिके एति छोटिया भूल अछि किंतु भूल तो भूल ना किंतु आमे केते जण थांती जबरदस्ती आज्ञा अन्य को गाली करंती कंटा बाड़े जहाँ को कहती ना कंटा बाड़े लुगा पकईकिरी कली करंती बहुत लोक केमिति ना जणे जण को सही न पारुथिले से कौन कर ना ताकू खोजु थिबो कोउटी से नई पड़ी थो मुदीपद कहीदेवी आहरी कि लोक था आज्ञा आप कौन कि न कहतु कि न करतु आप रास्त चली थे किंतु जबरदस्ती देखे सिके कहार गुण भी बहुत लोकंर था निश्चिंत निश्चिंत। बाकी रहिला आज जो कहानी टीए रही जे गाली करिले बा गाली करूथिया लोक को कौन कौन कुहा जाइछि आमे आज से अनुसार शुणा गोटे बढ़िया रोमांचकर कहानी टीए आमे सिना दर्शक बंधु कहूँ आपन को कहानी प्रथम रु आम अनेक थर भी कही कहानी आज्ञा लेखाई थाए आपण पढ़ी मु पढ़ी मो भाई चार जन पढ़ी समस्ते पढ़ी आम तो प्रथम आज्ञा बस्तानी धरिकी स्कूल को गले आगे आज्ञा कहानी शुणा कौन कहल जमी बौला गाई कथा शुणवे से जी जी छोट बड़ कहानी मो बापा शुणी मुझुची तुम्हें भी शुणु समस्ते शुणे कहीं ना ता द्वारा पिला आग को जीवार गोटे मध्यम तेणु कहानी द्वारा आम पाखे खबर पहुँचे कौन करवा उचित जड़े से रास्त जाड़ी मुझे रास्त जीवन से कहानी तेणु जड़े साधु बाबा थे ना हूँ महेशानंद बुले बुलिकर काम है भगवान नाम नवा से जुआड़े भी गले सब बड़े भजन कीर्तन आगे करी सत्संग या मुख्य काम सत्संग कहले ना जेमिति भगवान नाम को लोक लोक पाखे पहुँचवा आजिकल जी आप देखिए यहाँ आप मोबाइल रे खोली देले व्हाट्सएप लिखित फॉरवर्ड मेनी टाइम्स ये मेनी टाइम्स कौन ना अनेक लोक देखी कहीं देखुं आज्ञा जी देखिले सी आउ जन जी देखिले सी आउ जन जी देखिले सी आउ जन एमती पठो पठो मेनी टाइम से साधु संत कौन करती ना भगवान नाम को भी से मेनी टाइम्स लोक सेयार करती कहीं ना जी मो पाखे स्थगित होकर रहीगला बढ़िया कथाटे मुझे जान ली ताल कौन करना मुझे समस्त को जनईबी है यहाँ है कारण
तेणु सी आसी महेशानंद जी गोटे जगार गाँव में बढ़िया प्रवचन चली बहुत लोक अच्छा कारण महेशानंद जी जो जगह को जाती सी किछि ना किछि लोक को पूरा दर्शक बंधु बहुत समय देखा जाए आम कहते अनर्गल मु शास्त्र ज्ञान जाणी अनर्गल मु मंत्र तंत्र जाणी अनर्गल मु सबकि मो शास्त्र मो मुखरे अच्छी किंतु आचरण रे अच्छी कि ना उच्चारण अनेक लोक करती किंतु आचरण रे पालन न करिया पर्यंत उच्चारण रो किछि माने रहे ना जदि गोटे मिटुटीए सब बेले कह तो राम 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 जानला कौन समझे जाने आरे सी राम को डाकुच किंतु ताको जितो जाय के बिलई माटी बसिवो से आ राम को भूली जो कहला क्या कहबो सही कथा कहते कह उच्चारण आचरण भितर डिफरेन्स साधु महात्मा ये जीवन रंचवार कला शिखा कौन कर दरकार आज्ञा साधु महात्मा केवे आपन को आसी कहेनि आज्ञा ये नेट बैंकिंग करूँ आप पैसा खटातु ये पैसा खटेले आपन को एति मिल आज्ञा साधु गेटअप जी अलग लोक थे सी आपन ठकिपारे कि सत साधु जी निश्चित रूपे आपन किसी भल कथा भल टीप्स दिं ठीक कहते महेशानंद कौन कौन ना जिते सत्संग चली तीन टा कथा कहले कह जीवन में तीन टी कथा को आपण गंठी बांधिक नियंतु कानी रे धन 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 ठार आए भल आस लोक मैंने पूरा एक लयर अनुच्च कौन से धन कौन से कथा एमती गंठी बांधिक नबू सी कहले प्रथम कथाटी कहले कह जीवन में सब बड़े जी भल लोक संगति कर जीवन में तुम जो सांग हो क्या मन खोली आज्ञा कहते क्या आगे आपणकर गुप्त रहस्य कहते आप मन रखु भल आप सांगे सांगे हुए तो पचारि पारती कह भल लोक बोले आम कमी चिन्हबू आम तो जहाँ को देखिल जी मो फर आईला मुझे सांगे कथबार्ता कली कह भल लोक चिन्हार गोटे तरीका अच्छे द्वितीयटा कले कह कौन ना भल बही पढ़ कौन से भल बही कले भल बही हूँ पुस्तक हूँ प्रत्येक मनीषर चक्षु आखि बोली कले पुस्तक जी भल आपंट दर्शक बंधु बेले बेले मो मन भितर असंख्य प्रश्न उठे देखी जिनस को पढ़ी जिनस को जोटा दिमाग भितर थे सेट होगा ताम दिए आपड़ देखि आखिरे देखि कथा बहुत समय मन भितर विचलित सृष्टि कै जहाँफल बहुत खराब कम लोक मान करती कौन जे साधु भल पुस्तक सत साहित्य हूँ जीवन रोटे अंग जी आपण को आगक नब भल बही पढ़ु खराब बही देखनी ये संसार नेगेटिव अच्छी पॉजिटिव अच्छी किंतु तुम्हें सब बड़े भल जिनस को ग्रहण कर द्वितीय कौन ना भल पुस्तक पढ़ु तृतीय कौन ना भल लोकर आदर करतु जदि किए साधु संत महात्मा भल लोक आपण इलाका को आसिले तो आदर करूँ सांगे सांगे टेका पथर पकांदुनि कि खराब कि कहतुनि खराब भाषा भी प्रयोग करूँ भल लोकर आदर करूँ यही तीन टी पॉइंट की आपको गंठी बांधिक नियंतु हठात जड़े लोक ठिया प्रश्न पचारे दुनिया रे जी भल आम केमी जानबू साधु बुझेले कले थे स्वर्ग एत लोक जा स्वर्ग में पहुँचले पहुँचले जे स्वर्ग में आज जगह मिललानी धर्मराज चिंता कले आरे जदि सबू लोक गुड़ा खाली स्वर्ग को स्वर्ग को स्वर्ग को आसी पहुँची जी तेल स्वर्ग जेड़ा से तो फुल लोक लोक ठिया है कल गोटे काम कर धर्मराज गोटे रूल बाहरी कले कह समस्त गोटे टेका कागज बांटी दियो हैला ये कागज रे निजे निजे कौन भल कम कर स्वर्ग को आसी लेखिकी दिंतु हैला सी कौन कले ना मन कर किए लिखला मु बढ़िया दान पुण्य करे कहला मु भल तपस्या करे जी जहाँ कर समस्ते लेखिक कहीं कहले खराब गोटाए जड़े लेखिक रखी से जनक लेख रखी जे मु आज्ञा भूल रे पल स्वर्ग को मोर आसीयार ना ना मु दान करा मु पुण्य करा मु तपस्या करा मु गाँव को सब किसी कर भूल बोधे मत नहीं मन टावर दुख जमराजा समस्त पढ़िले जिते पढ़िले समस्त लिखे आम बढ़िया करु बढ़िया करु बढ़िया करु साधु बुझौ टे
दिव्य नेत्र रे देखिले जमराजा कहले एगुड़ा के ही भल करना ये सब ठक किए आठणा दे कह दान दे किए शबल चोरी कर छुंची दान दे सहित किए कौच मुझा पुण्य करा मु साधना करप कर सब कथा कही चल किंतु से लोक को जो डाकिले जार ना से लोक कहला कहला आज्ञा मुझा स्वर्ग आसा कथा नुह मत के भूल उठे नहीं चित्रगुप्त मुझे किसी भल करनी क्या दान देनी आउ कि कहार किसी पुण्य तपस्या करनी मत मुझे नर्क जा जो लोक गुड़ा सब हईरा हो खाली मोर ता सेवा कर मोर कहीं दान पुण्य कर जमराजा कहे तुम्हें ही एका रही स्वर्ग से ये समते पढ़ा ए कई भल ना ये समते मिछरे मुढ़िया कहीकि आस साधु कहले मो कथार अर्थ किसी बुझीपाला कहले कौन ना बढ़िया किए जी सब बड़े कहूब मुझा बहुत जाणी जी कह आज्ञा मो भाया कई नहांती सांगे सांग कह अरे मत कौन बुझे मुँ न जाणी कहे जान से जमा भल नुह जी निजे प्रशंसा करु थे सी कहे भल नुह जी कहे जहा आउ कि था भगवान को भी समर्पण करती कहे से तारी भितर भल लोक जी देखिले जना पड़ मु पूरा एत चिठी भितर गोटाए चिठी जमराजा बाछला भाया से मापीदे कहे अच्छा आल बही कहे जो बही रे किसी गुण कर्म स्वभाव लिखाई थो बड़ बड़ महापुरुष कौ रास्त जाकि महान होती से जी लिखाई थोड़ा सेमी सत् साहित्य पढ़ले तुम मन भितर आगे आग्रह बढ़ो कहे आल लोक ना जो साधु सन्त महात्मा कि जड़े पुरोहित आपण घर को आसी आपन असम्मान करें जदि डाकुं से आसतु जदि आप चिन्ह ना कि कहेनि ये कि ना हठात जड़े लोक आसीगला से सत्संग भर को पहुँचीगला कहला आसल गोटे चुट्टी फुटी लंडा होकर गोटे हलदिया गेरुआ पिंधि गोटे चुट्टी आंटीना रखीदे आईलटी भाषण दे तीन दिन है गोटे चले गोटे तमसा चले गाँव में सब कम धंदा बंद मो स्त्री रोसे करार ना खाया पीया को देवार ना कि भी करार ना कना साधु आई कि साधु देखा चो तुम्हें पूरा गाड़ी करुच दारा अन्य लोक सब बस ले लोक टे ठिया गले जो मैंने टे अरे ये कौन पगलटा कौन साधु महात्मा को एमती कौच साधु कले रही जा बाबा आउ गाड़ी कर केत गाड़ी कर रुचि कर सी आहरी पुणी कहले कहे तुमरी भाया केत निकीमा लोक हल डरे बैसम जमी कई तुम्हें सेमती कम नक गोटा आईले पिंधिकी झोला कमंडल धरी तुम कम ना बोले आए किसी कम कर मन इच्छा कहले ए समय रे साधु चुप रहा देखी अन्य माने कहले टिके रही जाओ महात्मा जी आम टे बुद्धि शिखाऊ कहले ना ना तुम्हें समस्त रु कहले सरला गाड़ी कहले हाँ ना आस मो सांग कौटिक जावा ना आपण भी आसतु बाकी आठ दस जन आसतु मो सहित कुआडे डाकिक ने पाखरे गोटे झुंपुड़ी घर अच्छे जेहेतु तीन दिन है महात्मा से गाँव में प्रवचन दे पूर्व दिन राति प्रवचन रु गला महात्मा घर को जाते जहाँ दृश्य देखिकी आसी आज कौन कर से प्रवचन में कहवा कथा कि कहदे ये कौन कले ना यम को डाकिकी नहीं जाठिक पहुँचीगले एटी भागवत कौन कहते मोरा बकता मोरा मित्र से करे जगत पवित्र से करे जगत पवित्र से करे जगत पवित्र विष्णु बकते जे प्रधान देखी निस्तरती जन देखी निस्तरती जन देखी निस्तरती जन ये कहते मोर भक्त जी से मोर मित्र से जगत पवित्र करे से अपवित्र कैनि जो ये गाली कले ये कौन कले आंकु धरले आउ जो पांच जन को धरिकी जाए गोटे पहुँचीगले
ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଲାଟେ, ସିଏ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛି। ତା ମାଆ ତା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଆଇଛି। ମାଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମାଆକୁ ଚୁଟି ଫୁଟି ଟାଣୁଛି, ମାଆକୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଛି, ଏମିତି କରୁଛି। ସିଏ ତା ମାଆ ଦେଖୁଛି, ସାଧୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ବାବା ତୋତେ ଦେଖେ ସାଧୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆହୁରି ପିଟିପାଟି ହେଉଛି। ସାଧୁ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବାହାରକୁ ଆସ। ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆଇଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କହିଲେ କିଛି ଦେଖିଲ ନା? କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପିଲାଟି ଯିଏ ତା ମାଆକୁ ମାରୁଥିଲା, କହିଲେ ତୁମେ ସେଠି କିଛି କହିଲନି ନା? କ'ଣ କହିଥାନ୍ତୁ, ତା'ର ପୁରା ବେମାରୀ ହେଇଛି, ସେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଯଦି ଜଣେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ତ ସିଏ ଯଦି ତା ମାଆକୁ ଏମିତି କହିଲା, ତା କ'ଣ କିଛି କୁହାଯିବ? କହିଲେ ବାସ୍, ପୁଅ ଏତିକି ବଡ଼ ପରେ ଯଦି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସିଏ ମାଆକୁ ମାରିଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲ ନା? ତାକୁ କିଛି କୁହାଯିବନି। କହିଲେ ତମେ ଏଇଠି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛ, ଇଏ ଯେ ଗାଳି କରିଥିବା ଲୋକଟି, ଇଏ ହେଉଛି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲ? କହିଲେ ତୁମେ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥବାଲା, ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁସ୍ଥ ତୁମର ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଣକ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ। ଲୋକଟି ପୁରା ଆଗେ ଅନେଇଲା ଟିକେ ମହାତ୍ମାକୁ, ମହାତ୍ମା ବି ତାକୁ ଅନେଇଲେ। କହିଲେ ଭାଇ କିଛି ବୁଝିପାରିଲ? ସାଧୁ ଏବେ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥଟା ଯଦି ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ମାଟିରେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇନଥିବ, ଯଦି ବଡ଼ ପଥରଟା ନେଇ ପକେଇବ, କ'ଣ ହବ? କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଜବୁତ ହେଇଛି, ଟେକା ପକେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ରିଟର୍ନ କରିବ। ଏବେ ସାଧୁ ବି ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ଗାଳି ତମେ ମୋତେ କଲ, ମୁଁ ଟିକେ ମଜବୁତ। ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ମଜବୁତ, କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ସେ ମାଆକୁ ପୁଅ ମାରୁଛି, ମାଆ କିଛି କହୁଛି କି? କାହିଁ କହୁନି, ମୋ ପୁଅ ତ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଦୁନିଆରେ ଜଗତକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣିକି ଧରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେ ତ ଆସିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର। ଆଉ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ସେଇ ଅସାଧାରଣ ବା ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆବନର୍ମାଲ ପିଲା, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ। ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମର ଖାଇଥିଲି ନା ନେଇଥିଲି ନା ଧାରିଥିଲି ନା ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲି। ଆରେ ତୁମେ ଅଯଥା ଟିଭି ଦେଖି ଦେଖିକିରି ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛ, ଅଯଥା ମୋବାଇଲରେ ଲାଗି ଲାଗି ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିଦେଉଛ, କାହା ଝିଅ ବୋହୂ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ, କାହା ବୋହୂକୁ ଶିଖେଇ ଶାଶୁ ଭିତରେ, ଶାଶୁକୁ ଶିଖେଇକି ବୋହୂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛ, ଅଯଥା ଗୋପି ଗୋପି ସମୟ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଦୀପଦ ଯିଏ ଭଗବାନ ମୋତେ ପାଟି ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ତୁମକୁ କାନ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଖି ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ତୁମକୁ ହାତ ଦେଇଥିଲା, ଯିଏ ତୁମକୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେଇଥିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଦୀପଦ କହିଲି, ଏକଥା ଶୁଣିବାଟା ମୋର ତୁମର ଭୁଲ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଆଗନ୍ତୁକ ଲୋକ ଜଣକ ଗାଳି କରିଥିଲେ ସେ ଟିକେ ଚୁପ୍, ପୁରା ଏକଦମ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିଥିଲି, ଆପଣ କାହିଁକି ରାଗିକିରି ଆସି ଏଇଠି ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ଗାଳି କଲେ? ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଲା, କହିଲେ ଭୁଲଟା ହେଇଗଲା ବୋଧେ, କହିଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣ କିଛି ବି କରିନଥିଲେ, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କହିଲେ ସାଧୁ ବୁଝେଇଲେ, ପରର ନିନ୍ଦା ନ କରିବା, ଆତ୍ମ ବଢ଼ିବା ନ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ପାଷାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି କହିଛି, ଆଉ ଯିଏ ଥରେ ନିନ୍ଦୁକ ହେଇଗଲେ ସେ ନିନ୍ଦୁକ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସବୁ ବୋହିକିରି ସେମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି।
ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଳି କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଲମ୍ବ ହେଇକିରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଜାଣିପାରିଲିନି। କହିଲେ ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ୟାଦୁରୁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଜାଣିଲୁ। ରାତି ପାଇଲେ ସେ ତାକୁ ନିନ୍ଦୁଛି, ସେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସେ କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛି, ସେ କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଛି। କହିଲେ ବିନା ଦୋଷରେ କାହାଠୁ ହଠାତ୍ କେହି ଆସି କହିଦେଲା ସେ ତୋ ନାଁରେ ଏହା କହିଦେଉଛି କି କ'ଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଳି କରିବାଟା, ଗାଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ପାପକୁ ତୁମେ ହିଁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେବ। କହିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି କଲେ ନିଜର କ୍ଷତି ହେବ। ସେ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୋତେ ଟିକିଏ କେମିତି ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସୁସ୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିବି, ମୁଁ ବି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବି, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି, ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷଟିଏ ହେବା ପାଇଁ ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସାଇଲେ, କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପୁଅ ଭଲ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାଆ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ କମ୍ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଟିକିଏ ତୁମ ଭଳିଆ ସ୍ମାର୍ଟ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଇଏ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ, ଇଏ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ମୁଁ ତା ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ତାକୁ ଲଗେଇବି। ତେଣୁ ଏ କଥାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଗାଳି କରିବା, ସିଏ ଆମକୁ କିଛି କହିନି କି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ କ'ଣ କହିଦେଲା। ଯଦି ଗାଳି କରିବେ, ଉପରବାଲା କ'ଣ କରିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେବ। ଯେତିକି ଆୟୁଷ ଥିବ, ଆୟୁଷ ଘଟି 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 ଯେହେତୁ ଜଣକୁ ରୋଗ ଆସିଲା, ତା'ର ଆୟୁଷ ସବୁ କମି କମି ଚାଲିଲା, ସବୁବେଳେ ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଘୁରି ବୁଲିବ। ତେଣୁ କେବେ ବି କାହାକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଆମେ ଗାଳି କରିବାନି, କାହାର ନିନ୍ଦା ଚୁଗୁଲି କରିବା ନାହିଁ, କି ସେ ନିନ୍ଦା ଚୁଗୁଲିକୁ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଭଳିଆ ଘର 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 ଗପିବାନି, ପର ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ହେବାନି। ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲା, ଆମେ ଏଇ କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବୁ, ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ ଯେ କାହାକୁ ଗାଳି କରନ୍ତୁନି ବିନା ଦୋଷରେ, ଆଉ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁନି, ନିଜେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥାର ସହିତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।